नमस्ते, दिव्यस्मिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम मसाला एग आमलेट बनाएंगे। मसाला एग आमलेट बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत होता है, आइए पहले देख लेते हैं। ऑयल 1 टेबल स्पून, साबुत जीरा 1/4 छोटी चम्मच से भी कम, प्याज 1 बारीक कटी हुई, धनिया पाउडर 1/4 छोटी चम्मच से भी कम, जीरा पाउडर 1/4 छोटी चम्मच से भी कम, कसूरी मेथी 1/4 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच से भी कम, मिर्ची पाउडर 1/4 छोटी चम्मच से भी कम। मिर्ची पाउडर के जगह आपने हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी छोटा बच्चा है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। हरी धनिया बारीक कटी हुई, बहुत कम, थोड़ी सी। 1 छोटी टमाटर बारीक कटी हुई, मिल्क 1 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार, 2 अंडे। ये सारे इंग्रेडिएंट 2 अंडे के लिए मैं लिया हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस को ऑन करते हैं, पैन को बिठाएंगे, पैन को थोड़ी सी गर्म होने देते हैं। तब तक हम अंडे का घोल तैयार करेंगे। मसाला आमलेट के लिए मैं पानी के साथ 1 स्पून मिल्क यूज कर रहा हूँ। मैं 2 अंडे में 1 टेबल स्पून मिल्क यूज किया हूँ। ये अंडे को बहुत टेस्टी और स्पंजी बनाएगा। और जो सारे इंग्रेडिएंट को इसमें डाल देते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, हरी धनिया, टमाटर डाल देते हैं, नमक स्वाद अनुसार, मैं 1/4 छोटी चम्मच नमक लिया हूँ, प्याज डाल देते हैं। सारे इंग्रेडिएंट को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करके 1 छोटी चम्मच पानी डाल दीजिए। पानी डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें अंडे को डाल देंगे। अंडे को डाल देते हैं, दोनों अंडे को इस तरह तोड़ के एक के बाद एक डाल देते हैं। दोनों अंडे को मैं डाल दिया है। डालने के बाद अंडे के साथ सारे मसाला को एक साथ अच्छे से मिलाना है। इस तरह बस 2-3 मिनट के लिए इस तरह कीजिए। 2 मिनट हो गया है, देखिए 2 मिनट होने के बाद अंडे के ऊपर कितना अच्छा सा बबल आता है। हमारा पैन अभी गर्म हो गया है, अभी हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल 1 टेबल स्पून डाली हूँ। ऑयल को थोड़ी सी गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अभी हम इसमें साबुत जीरा को डाल देंगे। गैस को धीमी करके अंडे को हम डाल देते हैं। जीरा अभी ब्राउन हो गया है, अभी हम अंडे को डाल देते हैं। गैस को बिल्कुल धीमी पर रखेंगे, नहीं तो नीचे से हमारा अंडा जल जाएगा। इसे अभी हम कवर कर देते हैं। अभी हम थोड़ी सी खोल के देखते हैं हमारा अंडा आमलेट कैसा बना है। देखिए हमारा अंडा आमलेट कितना स्पंजी बना है। अभी हम इसको पलट देते हैं। देखिए कितना स्पंजी अंडा आमलेट बनी है। जैसे लगता है ये 4 या 5 अंडे की आमलेट है। देखिए इतना स्पंजी और इतना सॉफ्ट अंडा आमलेट बनी है कि इसको जब मैंने पलटाया ये थोड़ी सी क्रैक हो गया है। हमारा अंडा आमलेट अभी बनकर तैयार है। पलटा के 2-3 मिनट ही रखेंगे, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। 3 मिनट हो गया है, अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। लेकिन ध्यान रखना ये बिल्कुल धीमी आंच पर ही बनेगा, नहीं तो अंडा नीचे से जल जाएगा। इसे अभी हम सर्व करने के लिए दूसरी प्लेट में निकाल देते हैं। इसे अभी हम धनिया पत्ता में गार्निशिंग कर देते हैं। देखिए ये हमारा मसाला एग आमलेट
रेडी है। इसे हम नाश्ते में भी खा सकते हैं, मेन कोर्स के साथ भी खा सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा एग ऑमलेट कितना स्पंजी बनी है। देखिए कितना स्पंजी बनी है एग ऑमलेट, ऐसा लगता है जैसे चार अंडे का ये ऑमलेट बनी है, लेकिन मैं सिर्फ दो अंडे यूज की हूँ। आप इसे बनाइए, खाइए, आपको कैसा लगा मेरे चैनल पर शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरे को भी शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।